वी आर इन बाजो, अस्सलाम वालेकुम। द मैच आर स्टार्टिंग, मजंता 11 वर्सेस तरा गलराते 11। वी आर इन बाजो नाउ। मैच ऑर्गेनाइजर और बाजो अंपायरी के फ्राई सर अंजाम दे रहे अख्तर एंड कैप्टन यासिर, जो कि सीनियर सिटीजन हैं बाजो के। फर्स्ट बॉल आर गोइंग फॉर मन लिटल मानी टू त्रा गलराते। बैट्समैन है हमजा, बॉलर लिटल मानी फ्रॉम मजेंता। फर्स्ट बॉल नाउ, फर्स्ट बॉल लिटल मानी वर्सेस हमजा। पहली बॉल और हमजा ने बहुत ही शानदार शॉट खेली और ये छक्का। पहली बॉल पे ही लिटल मानी को छक्का लगा है हमजा। बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं गलराते की तरफ से। लिटल मानी कुछ कम नहीं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं लिटल मानी। जूनियर प्लेयर हैं मजंता की तरफ से, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉल करते हैं पेस के साथ। दूसरा बॉल करेंगे मानी हमजा को और ये हमजा ने बहुत ही अच्छा शॉट खेला। इब्रार फील्डिंग पे मौजूद, एक स्कोर मिलेगा। बाबर फेस करेंगे लिटल मानी को और ये तीसरा बॉल, बहुत ही अच्छी शॉट खेली बाबर ने, लेकिन और ये छक्का इसी के साथ। तीन बॉलें, 13 स्कोर गलराते 11 का। मानी चौथा बॉल करेंगे बाबर को और इसी के साथ ये वाइट, अंपायर अख्तर की जानिब से वाइट बॉल का इशारा। मानी वर्सेस बाबर, चौथा बॉल करेंगे मानी बाबर को। बहुत ही अच्छी बॉल, मिस किया बाबर को। मानी सेकंड लॉस्ट बॉल करेंगे फर्स्ट ओवर की बाबर को इसी के साथ और ये वाइट, 14 स्कोर पहले ओवर में। सेकंड लॉस्ट बॉल मानी वर्सेस बाबर और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया बाबर को मानी ने। अंपायर की तरफ से डेड बॉल का इशारा, क्योंकि आउट ऑफ द पिच बॉल ने पिच किया। मानी वर्सेस बाबर, बहुत अच्छी बॉल इसी के साथ। बाबर ने स्टेट की जानिब छक्के के लिए खेला इस बॉल को। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बाबर। लास्ट बॉल मानी की जानिब से और बहुत ही अच्छी बॉल की है मानी ने इस दफ़ा। 21 स्कोर पहले ओवर में। बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अभी आ रहे हैं वकार, जो कि दूसरा ओवर करेंगे गलराते 11 को। बहुत अच्छे बॉलर हैं वकार मजंता की जानिब से, लेकिन हमजा कुछ कम नहीं। पहली बॉल दूसरे ओवर की और बीट किया हमजा को वकार ने। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वकार और हमजा भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, बैट्समैन हैं। दूसरा बॉल करेंगे वकार हमजा को और ये हमजा का शानदार छक्का। बहुत अच्छी शॉट खेली हमजा ने। तीसरा बॉल करेंगे वकार हमजा को, ये हमजा ने लेग की जानिब खेला फील्डर। कुछ कंफ्यूजन है बॉल को लेके, लेकिन अभी ये आउट होने और कोई स्कोर नहीं इस बॉल पर। वकार फोर्थ बॉल करेंगे हमजा को। बहुत अच्छे से ओवर निकाला है वकार ने, सिर्फ एक स्कोर दिया है। सेकंड लॉस्ट बॉल दूसरे ओवर की और अभी तक वकार ने सिर्फ एक स्कोर दिया है।
22 स्कोर। ओ बहुत ही अच्छी बॉल, लास्ट बॉल फ्रॉम वकार। वकार कोई मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वकार। दूसरे ओवर में सिर्फ एक स्कोर मिला है अब तक गलराथे को। ये लास्ट बॉल और इसी के साथ बाबर ने बहुत अच्छे से खेला और ये बॉल बाउंड्री लाइन के पार, 6 स्कोर मिलेगा। फर्स्ट टूर्नामेंट इन बाजो, 7 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। त्रत्सानो 11, कोर्सिको 11, मजेंता 11, गलराथे 11, बाजो 11। नाउ तीसरा ओवर करेंगे इर्तजा जूनियर, जो कि अभी 18 साल के भी नहीं हुए। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं मजंता की जानिब से, दूसरी दफ़ा इनको मौका मिल रहा है बाहर खेलने का। तीसरा ओवर करेंगे इर्तजा, ये इसी के साथ आए, पहली बॉल वाइड बॉल, वाइड बॉल की है इर्तजा ने। पहला बॉल करेंगे इर्तजा हमजा को, कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं जुबैर कापो। दूसरा पहला बॉल इर्तजा की जानिब से ओईसी के साथ, ये भी वाइड। बहुत अच्छे बॉलर हैं इर्तजा। इर्तजा पहला बॉल करेंगे हमजा को, अब तक 2 वाइड बॉल कर चुके हैं और ये भी वाइड। इर्तजा बहुत कमाल की बॉलिंग करते हैं लेकिन अब तक कुछ खास कर नहीं सके। 3 बॉलें वाइड की हैं इर्तजा ने अब तक। तीसरा ओवर है, 6 ओवरों का मैच है। इर्तजा पहला बॉल करेंगे हमजा को, ओ ठीक है कपो वाइड है, वाइड बॉल। ये इसी के साथ 4th वाइड बॉल की है इर्तजा ने। तीसरे ओवर की पहली बॉल, ओ व्हाट अ गुड, वेरी गुड बॉल, बीट किया हमजा को इर्तजा ने। दूसरा बॉल करेंगे इर्तजा 6th ओवर, तीसरे ओवर का, 6 ओवरों का मैच है। मजंता 11 वर्सेस गलराथे 11। इर्तजा दूसरा बॉल करेंगे, बहुत ही अच्छी बॉल, बीट किया हमजा को इर्तजा ने। एट स्कोर, तीसरे ओवर की तीसरी बॉल करेंगे इर्तजा और ये हमजा ने ऊंचा खेला की फील्डिंग अली और ये इसी के साथ अमजद ने कैच लिया। बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, ऑलराउंडर हैं अमजद मजंता की जानिब से। हमजा आउट हुए, इर्तजा इर्तजा आई थिंक सेकंड लास्ट बॉल करेंगे बाबर को। गलराथे के कैप्टन हसन ओ आए हैं खुद बैटिंग के लिए। इर्तजा आए बॉल की और ये बाबर को बीट किया इर्तजा ने। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं इर्तजा, स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं कर सके लेकिन बहुत ही कमाल के जूनियर बॉलर हैं। इर्तजा बॉल करेंगे बाबर को और ये बीट किया बाबर को इर्तजा ने। लास्ट बॉल करेंगे इर्तजा बाबर को, लास्ट बॉल करेंगे इर्तजा बाबर को। तीसरे ओवर की लास्ट बॉल और ये बाबर ने हिट की लेकिन अमजद, ओ बहुत ही अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर, अमजद ने दूसरा कैच पकड़ा है इसी मैच के दौरान। बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं मजंता के, सीनियर प्लेयर कैप्टन हसन गलराथे की तरफ से और मजंता की तरफ से। अमजद 4th बॉल की पहली बॉल की है, ओ शिट कैप्टन स्लिप हो गए हैं, हसन भाई स्लिप हो गए हैं पिच के ऊपर। इसी के साथ जुबैर उनसे पूछते हुए कि चोट तो नहीं लगी,
अमजद बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं मजंता की जानिब से, ऑलराउंडर हैं मजंता के, सीनियर प्लेयर। हसन भी कुछ कम नहीं, और ये इसी के साथ हसन ने ऊंचा खेला, बाबर इब्रार दो, ओ इब्रार ने रनिंग करते हुए ये कैच बाउंड्री लाइन से पकड़ा है, इब्रार ने बहुत ही दूर आके ये कैच पकड़ा है, इसी के साथ हसन आउट हुए। चौथे ओवर की तीसरी बॉल करेंगे अमजद, अभी तक 38 स्कोर हुआ है, 6 ओवरों का मैच है बाजू में, किटेप बॉल टूर्नामेंट फ्रॉम इटली, और ये भाई आउट हुए, इनका नाम मुझे मालूम नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत ही गंदी तरह आउट हुए हैं। अमजद भाई बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, अमजद चौथा बॉल करेंगे, फरहान आया बैटिंग के लिए गलराते की तरफ से, अमजद ने ये बॉल की, फरहान ने लेग की जानिब खेला, लेकिन फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है इर्तदा ने, बहुत अच्छे से क्या बाउंड्री रोकी है, बहुत अच्छे से इर्तदा ने ये बाउंड्री रोकी है, यंग प्लेयर है मजंता की जानिब से, कुछ कंफ्यूजन, अंपायर कंफर्मिंग के लिए जा रहे हैं, कोई स्कोर नहीं मिलेगा गलराते को इस बॉल पे, इर्तदा ने बहुत अच्छा फील्ड किया है, बहुत अच्छी फील्डिंग किया है इर्तदा ने। पांचवा बॉल करेंगे अमजद भाई, और फरहान ओ एक स्कोर, फरहान गिरते गिरते बचे, अमजद लास्ट बॉल करेंगे, शकूर खेलेंगे अमजद को, कोई स्कोर नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा ओवर निकाला है अमजद ने, सीनियर प्लेयर है अमजद। दूसरा ओवर करेंगे इर्तदा, दूसरा मैच का पांचवा ओवर है, मैच का पांचवा ओवर इर्तदा का दूसरा, बहुत ही अच्छी बॉल अंपायर की जानिब से, वाइट बॉल का इशारा, यासर कप्तान अंपायरी के सरफराइज सर अंजाम देते हुए, पहला बॉल करेंगे इर्तदा पांचवें ओवर का, अब तक वो फरहान ने ऊंचा खेला, इसी के साथ छक्का, सिक्स मारने में सिक्स 6 स्कोर मिलेगा, इर्तदा ने पहला बॉल किया अच्छे से, दूसरा बॉल करेंगे पांचवें ओवर का इर्तदा, ओ ऑफ की जानिब खेला फरहान ने, और ये बाउंड्री गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 4 स्कोर मिलेगा इस बाउंड्री पे, इर्तजा तीसरा बॉल करेंगे, बाजो वेयर फ्रॉम, ओ ये हसीब बॉल के नीचे लेकिन कैच को मिस किया, इसी के साथ छक्का, इर्तजा को अब तक 2 छक्के पड़ चुके हैं 2 बॉलों पर, बहुत अच्छे बॉलर हैं इर्तदा, जूनियर हैं, अब 58 स्कोर हो चुका है अब तक गलराते 11 का, इर्तदा तीसरा बॉल करेंगे, इर्तदा तीसरा बॉल करेंगे फरहान को पांचवें ओवर का, और अच्छा खेला है फरहान ने, लेकिन फील्डर पॉइंट पे मौजूद, 1 स्कोर मिलेगा, फरहान वर्सेस इर्तदा, इर्तदा आए बहुत अच्छा बॉल किया और खुद ही डिफेंड किया है, जूनियर प्लेयर हैं लेकिन बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं, जज्बे से खेलते हैं इर्तदा, इर्तदा लास्ट बॉल करेंगे शकूर को, इर्तदा ने ये किया बॉल और शकूर आउट होते होते हुए रह गए, कोई अब तक 1 स्कोर रन 2 स्कोर बनाने में कामयाब हुए शकूर इस बॉल पे, अमजद लास्ट ओवर करेंगे, छठा ओवर है,
59 स्कोर अब तक, 5 ओवरों में गलाते 11 ने बनाया है। अमजद छठा ओवर करेंगे जो कि इस मैच का लास्ट ओवर है। पहली बॉल को बहुत अच्छे से निकाला अमजद ने, मजंता के कैप्टन अली सुब्तैन, जुबैर, फसी, वकार, इर्तजा। दूसरा बॉल करेंगे अमजद, बहुत अच्छे से बॉल करते हैं अमजद। फरहान को कुछ समझ नहीं आ रहा अमजद को कैसे खेलें, सीनियर प्लेयर हैं अमजद। तीसरा बॉल करेंगे फरहान को, ओ ये भी बीट किया, डेड बॉल, पायर की जानिब से डेड बॉल का इशारा। तीसरा बॉल करेंगे अमजद फरहान को, अमजद आए, ओ ये भी डेड बॉल, अमजद तीसरा बॉल करेंगे फरहान को, अमजद तीसरा बॉल करेंगे फरहान ने इसको ऑफ की जानिब खेला, इब्रार भागते हुए बॉल की तरफ आए, फरहान दो स्कोर बनाने में कामयाब हुए। फोर्थ बॉल करेंगे अमजद फरहान को, 61 स्कोर हुआ है अब तक गलराते 11 का। कप्तान फील्डिंग चेंज करते हुए अमजद, चौथा बॉल करेंगे फरहान को, बहुत अच्छे से बीट किया अमजद ने इस बॉल को। फरहान वर्सेस अमजद, अमजद जो कि बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं मजंता के, फरहान गलराते की जानिब से खेलते हैं। पांचवा बॉल करेंगे अमजद फरहान को, बॉल किया लेक, बॉल लेग की जानिब, खिजर ने बॉल जुबैर की तरफ थ्रो की, कोई और इसी के साथ दो स्कोर बनाने में कामयाब हुए फरहान। 63 स्कोर हो चुका है गलराते का, खिजर ने अच्छे से थ्रो किया लेकिन थ्रो थोड़ा लेट पहुंचा जुबैर तक। लास्ट बॉल करेंगे अमजद फरहान को, इसमें इस ओ बहुत अच्छी शॉट खेली है फरहान ने, खिजर ने बहुत अच्छे से बाउंड्री को रोका और ये आउट। आई थिंक फरहान रन आउट हुए लास्ट बॉल पर। सेकंड इनिंग, हमजा पहला ओवर करेंगे, इब्रार फेस करेंगे हमजा को, बहुत अच्छी बॉल की हमजा ने, इब्रार बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है मजंता की जानिब से, मजंता की जानिब से ओपनिंग करेंगे इब्रार और जुबैर कापो। 64 रन्स का टारगेट है, 5 जो में ये टूर्नामेंट हो रहा है, 7 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। दूसरा बॉल किया हमजा ने, इब्रार ने बीट किया इस बॉल को, फुल टॉस बॉल थी, इब्रार जो कि कभी फुल टॉस बॉल को नहीं छोड़ते। हमजा तीसरा बॉल करेंगे दूसरी इनिंग का, पहले ओवर का। ओ इब्रार ने इस बॉल को भी बीट किया, इब्रार बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन आज अभी तक 3 बॉलें फेस की हैं और कोई स्कोर बना ना सके। हमजा फोर्थ बॉल करेंगे इब्रार को, हमजा और ये बॉल अंपायर बॉल हो, लीगल बॉल कंसीडर किया गया, इब्रार ने अंपायर से कहा कि शायद डेड बॉल है लेकिन अंपायर की जानिब से लीगल बॉल करार दी गई और ये इब्रार ने ऊंचा खेला, फील्डर बॉल के नीचे मौजूद है और इसी के साथ अच्छा कैच पकड़ा है फील्डर ने, इब्रार आउट हुए। मजंता के लिए बहुत ही नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है मजंता का, इब्रार बहुत अच्छा खेलते हैं, एक्स कैप्टन है मजंता के। हमजा पहले ओवर की लास्ट बॉल करेंगे, वाइड बॉल
अंपायर की जानिब से वाइड बॉल का इशारा। मजंता को पहले ओवर में एक स्कोर मिला, एक विकेट के नुकसान पर एक स्कोर मिला है मजंता को। बहुत अच्छी बॉल की है, बहुत अच्छी बॉल की है हमजा ने जुबैर को। इसी के साथ पहला ओवर इख्तिताम को पहुंचा। बाबर दूसरा ओवर करेंगे, काशिफ खेलेंगे। पहली बॉल वाइड, मजंता के दो स्कोर बन हैं। मजंता बहुत अच्छी टीम है, ये नॉकआउट्स बाजों में ये मैच खेला जा रहा है। 7 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। पहले राउंड में नॉकआउट सिस्टम है, जो टीम हारेगी वो मैच टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी क्योंकि टाइम कम है। बाबर पहला बॉल करेंगे काशिफ को, पहला बॉल करेंगे बाबिर, काशिफ सामना करेंगे। और ये मिस किया, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं बाबर। काशिफ ने 2 साल बाद कमबैक किया है क्रिकेट में अपने बाजू की इंजरी की वजह से। और बहुत अच्छी बॉल की है बाबर ने, काशिफ ने कल ही कमबैक किया है, क्वार्टर फाइनल खेल चुके हैं कल सिंगल विकेट क्रॉस टूर्नामेंट का। बाबर तीसरा बॉल करेंगे काशिफ को, और ये इसी के मिस किया काशिफ ने, 3 बॉलें मिस कर चुके हैं काशिफ। दूसरे ओवर का चौथा बॉल करेंगे बाबिर काशिफ को, मजंता के सिर्फ 2 स्कोर बने हैं अब तक, कोई बाउंड्री नहीं लगी मजंता टीम की जानिब से। बाबिर काशिफ ने अच्छा खेला लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथ में। काशिफ सामना करेंगे बाबिर का, बाबिर ने ये ओ डेड बॉल। चौथा बॉल करेंगे बाबिर काशिफ को, अच्छा खेला काशिफ ने लेकिन फील्डर मौजूद शुकूर ने बहुत अच्छे से बॉल को रोका है। इसी के साथ 2 स्कोर बनाने में कामयाब हुए। लास्ट बॉल करेंगे बाबिर, मजंता की टीम अब तक 4 स्कोर बनाने में कामयाब हुई। लास्ट बॉल, ओ ये बॉल बहुत अच्छा ओवर किया है बाबर ने। 6 ओवरों का मैच है जिसमें से 2 ओवर गुजर चुके हैं। 64 का टारगेट है मजंता के पास, 2 ओवरों में सिर्फ 4 स्कोर बना सके है मजंता की टीम। जुबैर कापो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, कुछ भी हो सकता है। जुबैर अगर खेलना शुरू करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छे हिटर हैं जुबैर। हमजा पहला बॉल करेंगे तीसरे ओवर का जुबैर को, इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। तीसरे ओवर का पहला बॉल, हमजा बॉल करेंगे और जुबैर सामना करेंगे हमजा का। टच जुबैर सामना करेंगे हमजा का। बहुत अच्छा ओवर, पहला ओवर किया था हमजा ने, सिर्फ 1 स्कोर दिया था पहले ओवर में हमजा ने। दूसरा बॉल करेंगे हमजा और इसी के साथ जुबैर आउट हुए। मजंता की टीम कुछ खास नहीं कर सक रही अब तक। मजंता की जानिब से अमजद आएंगे खेलने, अमजद
बहुत सीनियर बैट्समैन हैं मजेंता के। हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया पहले और दूसरे ओवर में। अमजद सामना करेंगे हमजा का। हमजा बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, दूसरा ओवर कर रहे हैं हमजा इस मैच में। हम बहुत अच्छी शॉट खेली है अमजद भाई ने। ओ बाउंड्री पे फील्डर मौजूद, एक स्कोर मिलेगा। इसी के साथ मजंता की टीम का स्कोर हुआ जाता है 6 runs। 6 ओवरों का मैच है, मजंता की टीम के पास 64 स्कोर का टारगेट है। तीसरे ओवर का खेल जारी। हमजा फोर्थ बॉल करेंगे काशिफ को। काशिफ बहुत ही अच्छे हिटर हैं, मिस किया काशिफ ने, कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं कर पा रहे हैं काशिफ। पांचवा बॉल करेंगे हमजा काशिफ को। कुछ भी हो सकता है, दोनों ख़तरनाक प्लेयर क्रीज पे मौजूद। इसी के बाद नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। पांचवा बॉल करेंगे काशिफ को हमजा। हमजा आए वाइड बॉल, इसी के साथ फोर्थ बॉल करेंगे हमजा। ओ ये भी वाइड, काशिफ बहुत ही ख़तरनाक बैट्समैन है, लेकिन हमजा आज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। चौथा बॉल काशिफ ने ऑफ की जानिब खेला, इसी के साथ आई थिंक कुछ 2 स्कोर बनाने में कामयाब हुए। इसी के साथ तीसरा स्कोर, अमजद बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर हैं, उन्होंने कहा नहीं तीसरा स्कोर भी बना जाएगा। सेकंड लॉस्ट बॉल करेंगे हमजा, सेकंड लॉस्ट बॉल करेंगे। ओ अमजद भी आउट, बहुत अच्छी बॉलिंग की हमजा ने। मजंता की टीम के पास कोई चांस नहीं। मोहम्मद खिजर बट आएंगे बैटिंग के लिए मजंता की जानिब से। नॉकआउट मैचेस हैं, 7 टीम्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। बाजों में 7 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इस टूर्नामेंट में। बाजो मजंता के पास अभी भी मैच जीतने के चांसेस मौजूद हैं। काशिफ बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर हैं मजंता की जानिब से, बहुत सीनियर प्लेयर हैं, 2 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं बाजू की इंजरी के बाद। बाबर चौथा ओवर करेंगे, काशिफ सामना करेंगे बाबर का। वाइड बॉल, चौथे ओवर की पहली बॉल वाइड कराई है बाबर ने। काशिफ बहुत ही अच्छे हिटर हैं, काशिफ पहली बॉल करेंगे बाबर काशिफ को। और काशिफ आज कुछ खास नहीं कर पा रहे। मजंता की टीम के पास अभी भी मौका है मैच में वापसी का। अगर इस ओवर में 3 से 4 हिट लगती हैं तो ये मैच में वापसी कर सकते हैं, अदरवाइज मजंता की टीम नॉकआउट मरले में ही बाहर हो जाएगी। बाबर दूसरा बॉल करेंगे काशिफ को। काशिफ ओ ये भी बॉल मिस किया काशिफ ने। गलराते की टीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है। चौथे ओवर का खेल जारी है, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रही है गलराते की टीम। ओ काशिफ भाई ने इसी का स्ट्रेट पे की जानिब खेला, लेकिन फील्डर पॉइंट पे मौजूद, 1 स्कोर मिलेगा। मोहम्मद खिजर बट सामना करेंगे बाबर का। बहुत अच्छे एथलीट हैं खिजर,
बाबर आए, खिजर को बॉल किया और इसी के साथ खिजर भी आउट। मजंता की टीम आज कुछ खास नहीं कर पा रही। इर्तजा जूनियर सामना करेंगे बाबर का। पांचवी बॉल वाइड, इर्तजा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, मौका है इर्तजा के पास अपना बैटिंग टैलेंट भी शो करने का। लेट से सामना करेंगे बाबर का इर्तजा और वाइड बॉल, अंपायर कप्तान यासिर की जानिब से वाइड बॉल का इशारा।